स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट फॉर ऑल चैप्टर प्रिपेयर्ड बाय एमएसबीटी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इफ यू आर सीरियस फॉर स्टडी यू आर एट राइट प्लेस। मेड विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। योर वन लाइक एंड सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट एंटायर टीम। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6M आई स्कीम एंड हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक कंट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 6M आई स्कीम। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे सब बनाए गए वो क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बनाए गए। तो आप कृपया ध्यान से सुनिए और लेक्चर को जरा भी स्किप ना कीजिए। बीच बीच में जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वो आप मिस कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू कर दें। फर्स्ट, हैवी लिफ्टिंग वर्क इज ऑफ्टन एकम्पनिश्ड बाय शिफ्टिंग फ्लूइड्स इन बिग मशीन। द पावर सिस्टम ऑफ सच मशीन कैन बी डिस्क्राइब एज हाइड्रोलिक। द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट मेक्स हाइड्रोलिक सिस्टम पॉसिबल इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स सिस्टम, दैट इज स्प्रे पेंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स मेक वॉटर अनसुटेबल टू यूज एज अ फ्लूइड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, दैट इज पुअर लुब्रिकेशन, मोर लीकेज, क्विकली इवॉपरेट। आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल थ्री ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। लो विस्कोसिटी फ्लूइड हैव हायर लीकेज, यस। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड हैव हाई प्रेशर ड्रॉप, यस। लो विस्कोसिटी लीड्स टू वेयर ऑफ कंपोनेंट, यस। तो ये आंसर इज ये तीनों। इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हैव विस्कोसिटी ग्रेड रेंजिंग फ्रॉम 46 के लेके 68। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड हैव स्लो ऑपरेशन। वॉट इज विस्कोसिटी इंडेक्स? तो विस्कोसिटी इंडेक्स इज अ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजेस इन विस्कोसिटी। हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्लूइड इन हाइड्रोलिक सिस्टम फ्लोस इज कॉल्ड इट्स पोर पॉइंट। तो इस स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। विच प्रॉपर्टी डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन मिक्स विथ वॉटर? तो दैट इज डिमल्सिबिलिटी। फॉर एनी ऑपरेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम द फ्लूइड शुड हैव पोर पॉइंट, दैट इज 20 डिग्री फेरेनहाइट बिलो द लोएस्ट टेम्परेचर। वॉट इज द एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड? एडवांटेज इज लो फ्लैश पॉइंट। हाउ इज द वॉटर कंटेंट इन हाई वॉटर फ्लूइड, दैट इज HFA, कंपेयर टू ऑयल कंटेंट? द आंसर इज मोर वॉटर देन ऑयल। इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि HFA क्या है, तो ये फुल फॉर्म याद रखो। अ फ्लूइड यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। एट विच प्रेशर पेट्रोलियम ऑयल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड बाय 0.5% या फिर 1/2%, दैट इज 70 bar। वॉट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वेट फॉर वॉटर ग्लाइकोल? आंसर इज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पेसिफिक वेट डिक्रीजेस। वॉट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी फॉर हाइड्रोलिक ऑयल? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस एट एटमोस्फियरिक प्रेशर। मैच द फॉलोइंग ग्रुप वन विद ग्रुप टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है, तो क्या बोला है? हाई वॉटर फ्लूइड, तो उसका आंसर है ऑयल इन वॉटर। सेकेंड क्या है? वॉटर इन ऑयल, तो उसका आंसर क्या है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर इन ऑयल। थर्ड, वॉटर ग्लाइकॉल, उसका आंसर है वॉटर एंड सिंथेटिक केमिकल। नेक्स्ट, सिंथेटिक्स, तो उसका आंसर है फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड। क्लियर? हाई वॉटर फ्लूइड्स कंटेन ऑयल इन वॉटर। विस्कोसिटी ऑफ हाई वॉटर फ्लूइड इज नियर बाय वॉटर। एडिंग एन एडिक्टिव टू वॉटर ग्लाइकॉल फ्लूइड इंप्रूव्स
विस्कोसिटी। कैन ऑल हाइड्रोलिक फ्लूइड्स बी कॉम्प्रेस्ड व्हेन एक्सट्रीमली लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड? द आंसर इज यस, राइट है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन साइड अ पिस्टन डेवलप्स इन टू प्रेशर। एट लो प्रेशर लिक्विड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो ये है, लोड कैनॉट क्रिएट प्रेशर ऑन द सिस्टम, द प्रेशर डेवलप डिक्रीजेस इफ लोड ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। क्लियर? द आंसर इज 3 एंड 4। इफ नो लोड इज अटैच टू पिस्टन रॉड, द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन असेंबली इज पॉसिबल व्हेन द ऑयल ओवरकम्स इट्स सेल्फ वेट। ऑयल ओवरकम्स फ्रिक्शन इन द पिस्टन रॉड असेंबली। द आंसर इज ए एंड बी बोथ। ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऑयल प्रीफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इन अ हाइड्रोलिक सर्किट अ पंप इज प्रोवाइडेड विथ टू आउटलेट पाथ, वन वेयर लोड इज अटैच्ड एंड अदर टू द रिजर्वायर। विच पाथ विल द ऑयल चूज टू फ्लो फर्स्ट? द आंसर इज ऑयल विल फ्लो बैक टू द रिजर्वायर फर्स्ट। प्रेशर अप्लाइड ऑन द फ्लूइड इन अ कंटेनर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्ट्स विथ इक्वल फोर्स ऑन इक्वल एरिया एंड एट राइट एंगल्स। विच लॉ एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स अंडर प्रेशर? आंसर इज पास्कल्स लॉ। अगेन पास्कल्स लॉ आ गया, मैंने पहले भी बोला था पास्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया। फ्लो ऑफ ऑयल इन अ पाइप टेक्स प्लेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी तक तो आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक उनके लिए कीजिए जो पूरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रही है, जो टीम एक्सपर्ट टीम, उनके लिए तो उनको काफी मोटिवेट होगा एंड आगे और ऐसे लेक्चर्स बना सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर 2 पंप्स एंड एक्चुएटर्स। अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैन बी प्रेशराइज एक्सटर्नली फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कन्वर्ट्स द कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोटोडायनामिक पंप? द आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक एप्लीकेशन कैन हैव वेरिएबल फ्लो रेट, कंज्यूम लेस एनर्जी, बी ऑपरेटेड विथ हाई एक्यूरेसी फॉर स्लो एंड रैपिड मोशन। आंसर इज ऑल थ्री ऑफ दिस। विच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व इन गियर पंप? ओनली फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट। What is the principle of operation used in gear pumps? That is, two gears rotate in opposite direction. What causes suction of fluid into the gear pump? When pressure drops during disengagement of the teeth at the suction side. How is the smooth and continuous discharge of fluid achieved in the gear pump? Increasing number of teeth. What causes discharge of fluid in an external gear pump? The electric motor drives one gear which turns the another gear and fluid passes through interior of the casing between teeth and casing and not between the gear. The answer is first and fourth, both. The rotation of gears in internal gear pump takes place in same direction. How does the fluid flow in internal gear pump? Fluid enters the suction side between rotor, which is a larger exterior gear, and idler, which is a small interior gear. What causes internal leakage in internal gear pump? More tolerance level between the meshing surfaces. What is the relation between pressure and overall efficiency for a gear pump? As pressure increases, overall efficiency decreases. What is the advantage of internal gear pump? High viscosity fluid can be used. Which force causes vanes to come out of the rotor slots? Answer is centrifugal force.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वेन पंप, दैट इज इलेप्टिकल कैम रिंग इज रिप्लेस्ड बाय राउंड कैम रिंग टू रिड्यूस अनबैलेंस फोर्सेस. बैलेंस वेन पंप्स आर डिजाइंड टू हैव फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट. कैम रिंग्स ऑफ अनबैलेंस्ड वेन पंप इज राउंड. इन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड वेन पंप हैविंग वेरिएशंस इन इसेंट्रिसिटी बिटवीन रोटर एंड कैम रिंग गिव्स वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट. एज इसेंट्रिसिटी बिटवीन रोटर एंड द कैम डिक्रीजेस, फ्लो ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस. What is the relation between speed and flow rate for fixed displacement vane pump? Flow rate increases with increase in speed of rotor. In fixed displacement vane pump, flow rate decreases with increase in working pressure. What effect does working pressure have on input power for radial piston pumps? That is, as work pressure increases, input power increases. Clear? Radial piston pump can have cylinder block rotating and cam stationary, cylinder block stationary and cam rotating. So answer is both. What is the difference between vane pump and radial piston pump? In radial piston pump, radial slots in vane pumps are replaced by radial bores which accommodate pistons. What is the advantage of multiple piston pump? Multiple piston pump do not have pulsating flow. How many strokes does a single piston pump need to discharge oil? That is 2 stroke. How is the arrangement of pistons in piston pumps? That is radially bhi ho sakta hai, axially bhi ho sakta hai, dono mein se kaun sa bhi ho sakta hai. That is answer is both. In which of these pumps squash plate is used to translate the motion of rotating shaft into reciprocating motion? The answer is axial piston pump. Which factors are considered while designing an axial piston pump? That is use of squash plate, application in open loop or closed loop circuit, design of the bent axis piston pump. The answer is all of this. Angle of squash plate in actual piston pump is adjusted by compensator as well as yoke. The answer is both. In actual piston pump, the yoke is pushed away from cylinder block, due to which yoke angle increases. When the angle of the squash plate decreases, flow rate decreases. What will be the discharge of oil in actual piston pump when the angle of the squash plate is zero? There is no discharge of the oil. क्यों? क्योंकि squash plate का angle कम हो रहा है, तो flow rate भी कम हो रहा है. जब ये zero रहेगा, तो discharge भी zero रहेगा. Clear? Which of the following statement are true? Piston pump are self-priming? Yes. Piston pumps require high maintenance? Yes. The answer is both 1 and 2. A band axis piston pump has cylinder block which is inclined at an angle to the drive shaft. In which of these pumps squash plate is replaced by cylinder block? That is band axis piston pump. What happens when the distance between flange and the cylinder block is varied? Answer is variable flow rate of fluid can be achieved. What is the maximum angle between cylinder block and shaft axis? Answer is 30 degrees. When does holding piston keep the angle between yoke and cylinder block maximum? When set pressure is greater than load pressure. Which type of motion is transmitted by the hydraulic actuators? That is linear motion as well as rotary motion. The answer is both A and B. What is the advantage of using a single acting cylinder? The piston seals are not required. Why are hydraulic cylinders cushioned? Decelerates the piston of the cylinder. Stress and vibration can be reduced. The answer is both A and B. Which of the following statement is true? Tie rod cylinders are used in applications having working pressure of 70 bar. Answer is yes, true. Welded type cylinders are made used in systems having working pressure more than 70 bar. True. Tie rod cylinders can be used in cylinders having working pressure more than 70 bar. True. The answer is all three is true. Which of these actions
डज अ हाइड्रोलिक सिलेंडर परफॉर्म, पुशिंग भी करेगा यस, लिफ्टिंग भी करेगा यस, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी. इन सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर द पिस्टन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, सेल्फ वेट, मोमेंटम ऑफ अ फ्लाईव्हील. तो आंसर इज ऑल थ्री ऑफ दिस. When does expansion of spring and retraction of cylinder takes place in spring type single acting cylinder? Answer is oil pressure exerted is less than the spring compression pressure. Double acting cylinder can be used as a single acting cylinder? Answer is true, right? In a telescopic cylinder, as the number of stages increases, diameter of the piston rod decreases. Which of the following statement is true for standard hydraulic cylinder and a telescopic cylinder? That is, telescopic cylinder give greater stroke length than standard cylinder. Which of the following statement is true? The length of the two-stage telescopic cylinder is less than a standard cylinder. Yes. Telescopic cylinder is single acting. Yes. Telescopic cylinder is double acting. Yes. The answer is 2, 3, 4. Telescopic cylinder have multi-stage units. Which type of hydraulic cylinder have one piston connected to the piston rod extended on both the sides of the piston? Answer is tandem cylinder. Which factor decides the working pressure of the hydraulic cylinder? That is bore diameter of the cylinder. लेक्चर में आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए. आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी एमएसबीटी सब्जेक्ट एक्सपर्टिंग जिन्होंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में एफर्ट्स डाले उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा. एंड चलिए चैप्टर थर्ड की ओर बढ़ते. कंट्रोल वॉल्व्स. अ वन वे वॉल्व दैट लेट्स एयर इन टू द रिजर्वायर ऑफ अ कॉम्प्रेसर बट डज नॉट लेट इट आउट, इट इज चेक वॉल्व. 5x2 वे सिंगल सोलेनॉइड वॉल्व हैज 5 port and 2 positions. What is the function of a flow control valve? The flow control valve can adjust the flow rate of the hydraulic oil. What does the number is 4x2 valve means? Matlab 4 way and 2 positions. Clear? Which of the following circuit shows tandem connection? तो ये ध्यान से देखो, ये सारे figure दिए गए. इसका आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट सबका सेम है, ये वाला पार्ट भी सबका सेम है. डिफरेंस क्या है? बीच में. तो जब भी टेंडम पूछा रहेगा, दूसरा कुछ भी पूछा रहेगा, तो हमेशा बीच में देखो, सेंटर में. तो ये वाला दिस इज नोन एज टेंडम, ये वाला इज टेंडम. क्लियर? चेक कीजिए, ये तीनों सेम नहीं है. क्लियर? तो राइट आंसर इज डी. चेक वॉल इज अ टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. अ प्रेशर रिलीफ वॉल कैन बी डायरेक्ट ऑपरेटेड, पायलट ऑपरेटेड, सोलेनॉइड ऑपरेटेड. आंसर इज ए बी सी, तीनों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर थ्रॉटल वॉल्व? इनपुट प्रेशर फॉर अ थ्रॉटल वॉल्व इज मोर देन आउटपुट प्रेशर. यस. द एक्चुएटर स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ थ्रॉटल वॉल्व. यस. करेक्ट फ्लो कंट्रोल वॉल्व फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेशर ड्रॉप स्पेसिफाइड. यस. आंसर 2, 3, 4. How is reverse flow possible in pilot operated check valve? That is, fluid pressure lifts the ball due to which reverse flow is possible. What is the difference between pressure relief valve and a pressure reducing valve? Very important. Pressure reducing valve is connected between direction control valve and a branch circuit, while pressure relief valve is connected between pump and tank. What is the function of unloading relief valve and can it be used as an accessory for accumulators? Unloading relief valve is used to charge the accumulator by a pump when accumulator pressure falls below the set pressure and it can be used as an accessory. Why is pilot operated check valve used in clamping operation? Because to reduce leakage in spool valve, to avoid decrease in pressure during clamping. Answer is both A and B. Which of the following is not the method to actuate the direction control valve? That is fixed operated. Tandem center position is achieved in this type of direction control valve. देखो आ गया वापिस tandem center. तो मैंने जब भी आपको explain किया तभी मैंने वही बोला था कि हमेशा center में देखो. Clear?
तो मैं मेरा मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ और हार्डवर्क कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को भी अच्छे मार्क्स अगर आ गए तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो आंसर इज 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व? टू कीप द फ्लो कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्रेशर। नाउ यूनिट 4 और चैप्टर 4 कॉम्प्रेसर न्यूमैटिक कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज इन फ्लूइड सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स जनरेट मोर एनर्जी व्हेन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, दैट इज हाइड्रोलिक सिस्टम्स। विच टाइप ऑफ कॉम्प्रेसर रिक्वायर्स अ रिजर्वायर फॉर कॉम्प्रेस्ड एयर एंड व्हाई, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर टू अवॉइड पल्सेटिंग इफेक्ट। Which of the following factors is considered while selecting a compressor? Compressor select करने के time कौन से factor consider करने हैं? That is volumetric efficiency. Where is an intercooler connected in a two-stage compressor? The answer is intercooler is connected between two stage of compressor. अभी ये question देखिए कैसा simple question है, but कितना confusing लगेगा। क्या question पूछा है? ध्यान से देखो हाँ। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि lecture को skip मत करो, ताकि आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको स्किप ना हो जाए। इसके लिए लेक्चर को पूरा देखा करो। देखो, वेयर इज एन इंटरकूलर कनेक्टेड इन अ टू स्टेज कॉम्प्रेसर। क्या बोल रहे हैं कि टू स्टेज कॉम्प्रेसर में इंटरकूलर कहां पे कनेक्ट होता है? अब ऑप्शन देखो, आफ्टर द टू स्टेज कॉम्प्रेसर, मतलब आफ्टर आया, बिटवीन आया, बिफोर आया, तो सब बाजू टू स्टेज लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अभी वो लोग ने क्या बोला है? कनेक्टेड। तो कनेक्टेड क्या होगा? दो चीज जब कब कनेक्ट होती है? जब बीच में कोई तो रहेगा ना, तो आंसर इज बिटवीन। तो ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करने का, इसके लिए बोलता हूं कि लेक्चर को पूरा देखो, स्किप मत करो, आगे भी बीच बीच में जो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। विच वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी वॉल्व, दैट इज डबल पायलट सिंगल वॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस चार्ज एक्यूमुलेटर, that is bladder type. Which of the following gas is used in gas charge accumulator, that is nitrogen. Intensifier used in pneumatic systems has output pressure more than input pressure. Function of mufflers in pneumatic system is to reduce the noise of compressed air. The seal prevents इवन अ माइन्यूट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज इज कॉल्ड पॉजिटिव सील। सील का काम ही होता है कि जरा भी कुछ भी लीकेज नहीं होना चाहिए। द सील्स आर यूज्ड बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ मूविंग हाइड्रोलिक पार्ट इज डायनामिक सील। शेड्यूल नंबर ऑफ पाइप इज रिलेटेड टू वॉल थिकनेस। शटर वॉल्व इज नोन एज और गेट वॉल्व। ठीक है, तो नैंड एंड नॉर और में कंफ्यूजन नहीं होना है। शटल वॉल्व का आया मतलब और गेट वॉल्व, याद रखो। व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ ऑयल इज पास थ्रू द फिल्टर इज नोन एज बाईपास फिल्टर। क्लियर? तो अपने चार यूनिट या फिर चार चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम फिफ्थ करने वाले ऑयल हाइड्रोलिक सर्किट। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी आपने लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। काफी टीम जो है वो आपके लिए मेहनत कर रही है, मैं भी आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन और उसके साथ साथ में आप एक शेयर कर देंगे, तो आपके साथ साथ जो एक स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे उसको भी कितना एग्जाम में हेल्प मिलेगा, उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वंस अगेन आप जरूर शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाले। मेरे बेस्ट विशेस और हमारी पूरी टीम के बेस्ट विशेस आपके साथ जरूर है, और जरूर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और आपका कमेंट आएगा, सर हम अच्छे मार्क्स से पास हो गए। लेट्स बिगिन। इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स अ मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एन ऑयल एंड देन कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कंपोनेंट इन हाइड्रोलिक पावर यूनिट, तो वो है वॉल्व। रोटरी मोशन इन एन हाइड्रोलिक पावर यूनिट इज अचीव्ड बाय हाइड्रोलिक सिलेंडर, नो, न्यूमैटिक सिलेंडर, नो, बोथ हाइड्रोलिक एंड न्यूमैटिक सिलेंडर, नो। आंसर इज नन ऑफ दिस।
Accessories used in hydraulic power unit adjust pressure and are used to generate flow and direction. तो वो है गलत. That is answer is false. Which of the following statements are true? Centrifugal pump is a non-positive displacement pump. Yes. Centrifugal pump allows backflow of fluid from delivery side to the suction side of the pump. Yes. The function of the vent plug used in a reservoir is to flush out oil. Yes. So answer is 2, 3, 4. Which of the following is used as an accessory in hydraulic power unit, that is reservoir? Which type of pump is used for lifting water from a ground surface to the top of the building? That is centrifugal pump. Yes. Turbine pump. Yes. Submersible pump. Yes. Answer is all of the above. Pumps used in hydraulic applications are positive displacement pump. Yes. Variable displacement pump. Yes. Fixed displacement pump. Yes. So answer is all three of these. What is a positive displacement pump? Oil from suction side of the pump flows completely to the delivery side. Volume of the fluid discharge cannot return back to the suction side of the pump. Discharge fixed volume of fluid every cycle. So answer is all three of these are correct. आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने ट्रू और फॉल्स भी रखा हुआ है, मैच द कोहलम भी रखा हुआ है, फिर बाद में फिगर्स भी इंक्लूड किए गए, ऑल ऑफ द अबव वाले भी इंक्लूड किए गए. मतलब हर टाइप के जो एमएसबीटी के अपडेटेड गाइडलाइंस आए हैं वो अपडेटेड गाइडलाइंस के हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल कंटेंट हम आपको दे सकते हैं वो हमने देने की हमारी कोशिश की है. और वंस अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें बहुत खुशी होती है ये बोलने के लिए कि आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करो और करते रहो. व्हाइल ऑपरेटिंग अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप द शट ऑफ वॉल्व शुड बी ओपन ऑन डिलीवरी साइड टू एक्चुएट डबल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. ठीक है. व्हेन फ्लो कंट्रोल वॉल्व विद चेक वॉल्व इज प्लेस्ड एट इनलेट ऑफ द एक्चुएटर इज नोन एज मीटर इन सर्किट. Which of the circuit is more effective for clamping of component during drilling operation, that is meter out circuit. To divert the pump delivery to the reservoir for the speed control of the actuator is known as bleed off circuit. When the return line of the actuator is connected to the pressure line with the help of DC valve is known as sequential circuit, no. Bleed off circuit, no. Bypass circuit, no. So answer is इनमें से कोई भी नहीं. Answer is none of the above. The circuit used during the downward movement of the actuator under heavy load to prevent its overrunning is called counterbalance circuit. The circuit used to perform more than two operation in sequence is known as sequential circuit. तो इसमें question है, आ भी सकता है कि sequential circuit है वो कितना operation perform कर सकती है. तो मोर देन टू आपको याद रखना है. तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिक्वेंशियल सर्किट परफॉर्म्स डैश ऑपरेशंस इन अ सीक्वेंस, दैट इज मोर देन टू ऑपरेशंस. क्लियर. विच मेथड इज यूज्ड फॉर मोशन सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो डिवाइडर, यस. रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, यस. मैकेनिकल कपलिंग ऑफ एक्चुएटर, यस. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Now unit 6 pneumatic circuit. तो अगेन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक पूरी MSBT टीम जो ये सब्जेक्ट बना रही है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम, उनको काफी मोटिवेट करेगा और वो आगे ऐसे लेक्चर्स आपके लिए जरूर लाएंगे. और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, चाहे वो नजदीक रहते हो या दूर रहते हो. ठीक है. First is, what is the maximum operating pressure of the pneumatic system, that is 10 bar. A pneumatic symbol is different from a hydraulic symbol used for the same function. Pneumatic system usually does not exceed 1 HP. Most hydraulic circuits operate from a central hydraulic power unit.
हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सर्किट्स परफॉर्म द सेम विथ सम एक्सेप्शंस. लुब्रिकेटर इन अ न्यूमेटिक सर्किट इज लास्ट एलिमेंट इन लाइन. सीरीज सर्किट्स वर्क्स ऑन बोथ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स. तो ये रॉन्ग है, दैट इज आंसर इज फॉल्स. व्हेन कंपेयरिंग फर्स्ट कॉस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स टू न्यूमेटिक सिस्टम्स जनरली दे आर लेस एक्सपेंसिव टू परचेस. टाइम डिले वॉल्व कंसिस्ट ऑफ एफसीवी, दैट इज फ्लो कंट्रोल वॉल्व. तो एग्जाम में फुल फॉर्म आ गया तो ध्यान रखो, एफसीवी मतलब फ्लो कंट्रोल वॉल्व. एयर रिजर्वायर 3/2 डीसी वॉल्व. क्लियर. बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम आर लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, रिलेज. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आप अगर मेरे मन को पूछोगे तो मेरे मन में ये बात है और हमारी पूरी टीम का यह सोचना है कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के साथ साथ आप एकदम अच्छे से मार्क्स स्कोर करो. आपको जरूर खुशी होगी और वो खुशी हमें भी होगी, जरूर होगी, क्योंकि आप और हम एक YouTube स्कोर ऑटोमोबाइल फैमिली है. बट वो खुशी के बारे में सोचिए कि जब आप अच्छे मार्क्स से पास होगे तो आपके पेरेंट्स यानी कि आपके मदर फादर कितने खुश होगे. तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे रहेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको किस तरह मैं वर्ड्स में बोलूँ. तो हमारी यही विश है. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए. आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए.